दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। सही शब्दों के चयन से हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। शब्दों की ताकत के बदौलत हम मुश्किल से मुश्किल काम बड़े ही आसान तरीके से करा सकते हैं। सही शब्दों के चयन से आधा अधूरा काम भी बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। शब्दों की ताकत तलवार और गोली की ताकत से भी कहीं अधिक होती है। शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। शब्दों की ताकत से मनुष्य का काया पलट तक हो सकता है। शब्द ही मंत्र है। हर एक शब्द, हर एक विचार का हमारे शरीर तथा हमारे जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आइए, शब्दों की ताकत को समझने के लिए हम एक अद्भुत कथा सुनते हैं। दोस्तों, कथा को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के भी थे, और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षुक नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षुक कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है, शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षुक एक मार्ग से गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक भी गुजर रहा था। उस युवक ने जब उस बौद्ध भिक्षुक को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी यह बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारे जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वे मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाच से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है, और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाच ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर भी देख सकते हो। उस बौद्ध भिक्षुक की यह बात सुनकर वह युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसका उम्र करीब 35 वर्ष है, और उसे न जाने क्या हो गया है। वह करीब 2 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाकर देख लिए हैं, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता है। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो बताइए गुरुदेव, हमारे शब्दों से उसका जीवन अभी तक क्यों नहीं बदला? और आप कह रहे हैं कि शब्दों से जीवन बदल जाता है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उस बौद्ध भिक्षुक को एक घर में लेके जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकता है, तो क्या आप अपने शब्द से इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर वह यह सत्य है तो इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षुक उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उस सर के पास हाथ रख कर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षुक की आवाज़ सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया।
आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है, वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है। उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुदेव, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, ये प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुदेव, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए उस गांव में, इसी से भी व्यक्ति से भी पूछिए मेरे बारे में, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इससे आपको यह यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, सबसे पहले मेरी बात सुन लो। मेहनती इंसान के शब्द उसके अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से यह नहीं पूछा है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं उसकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदतें हैं। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझते। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे आलसी, मक्कार और तरह तरह के ताने सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उस बौद्ध भिक्षुक के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश भी की, लाख उपाय भी किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। इन आदतों से मैं बाहर नहीं आ सकता, इन आदतों को छोड़ पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास भी किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा मन कहीं और भागने लगता है, मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान नहीं कर दे पाता। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूँ, ताकि जब मैं उठूँ तो मुझे दर्द महसूस ना हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से कभी निकल नहीं सकता, ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। तब फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही रास्ता, सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊँगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक वहाँ से चले गए, लेकिन उस बौद्ध भिक्षुक की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंजती रहीं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षुक उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं, वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उस बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया, अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकूँ। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हो,
और तुम्हारा मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हों कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा। तब वास्तव में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने से क्या हुआ या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे। तभी बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं, तुम्हारे पास वह सब चीज़ है जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। उन बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने गाँव वालों के ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उससे जीवन के बारे में ऐसी बातें नहीं की थी और वह गुरुवर उसे आज आने वाले भविष्य के बारे में बात बता रहे हैं। उस बौद्ध भिक्षुक की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लगा कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा और धन की कोई कमी नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह लड़का उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है, गुरुवर मैं यह दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र के रेत पर चलना चाहूँगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, परंतु गुरुवर यह सब कैसे संभव होगा, केवल मेरे मात्र सोचने से यह सब पूरा नहीं होने वाला है। उसके ऐसा कहते ही अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने गुजरने लगीं और वह लड़का एक बार फिर से निराश होने लगा और अब वह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं, न ही मेरे पास व्यापार करने का कोई अनुभव है, ऐसी स्थिति में मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, बेटा हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना एक लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो और जो भी तुम उस कागज पर लिखे हो उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर सकें। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, बेटा अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से अपना नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। इस पर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा कैसे होगा, ये जो सवाल है ये सवाल नहीं बल्कि एक प्रकार का डर है जो कि तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने के लिए रोक रहा है। यदि तुम वास्तविक में देखो तो किसी को भी नहीं पता होता है कि वह कार्य कैसे पूरा होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है, मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है। इस पर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, बेटा क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कुछ कार्य करना चाहते हो, कुछ कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले ही कह देता है कि इससे आगे मत बढ़ना अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वो लड़का कहता है, गुरुदेव आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि इस परेशानी से बाहर मैं कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है,
तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो कि तुम काबिल बन सको, तब अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की ज़रूरत है कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन अपने लक्ष्यों को पूरा करता हूँ। मैं अपने कमजोरी को अपने अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावनाओं के साथ वह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं के साथ वह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी यह बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दोगे। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा और वह बौद्ध भिक्षु लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम्हें कभी भी आलस्य नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उस बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर वह लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तभी वह बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, बेटा अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊँगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक वहाँ से चले गए और वह लड़का अपना घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपना मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगूंगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी मनपसंद का काम करने लगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान में रखकर उसने एक कागज़ पर एक लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आँखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा लक्ष्य एक बार फिर से दोहराया। उसके बाद वह लड़का कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसको उस बौद्ध भिक्षु की यह बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी उसने एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर में लिखा था कि मैं आज बाजार जाऊँगा और लोगों को देखूँगा कि कौन सा व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें खरीद कर ला रहे हैं और किस सामान को कितने दाम में बेच रहे हैं और उनको कितना फायदा हो रहा है। यह सब पढ़ने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठकर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लोग अलग अलग तरह के व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीज़ें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर चला गया। तभी उस लड़के को उस बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई, शब्दों में बहुत ताकत होती है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए, वह उसे सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते एक महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन एक महीने के बाद उसे महसूस होने लगा कि
पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच विचार कर पा रहा है। वह पहले से ज़्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान कार्य करते हैं, उसके सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच व डर से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आ पड़ती है, वह घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका समस्या का समाधान निकालते हैं तथा समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे खुद पर विश्वास करते हैं और हमेशा आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। जब उस लड़के को ये सारी बातें समझ में आने लगी, तो उसने भी अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता, वो बाजार आता जाता और लोगों के बारे में जानता समझता कि वो किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें खरीद रहे हैं और किन चीज़ों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता, अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता और जाकर मोल भाव करता था और हमेशा कुछ न कुछ सीखने में ही जुटा रहता था। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि उसे उस काम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत ही कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। वह बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि लड़का काफ़ी समझदार है और वह लड़का उसके व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि उस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीज़ें सीखता है, परेशानी आए तो भी विचलित नहीं होता। वो सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी उस युवक से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस युवक को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की पूरी समझ आ गई, तो उसने जड़ी बूटियों का एक व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा, तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा कि तुम इतना कैसे बदल गए। तब उस लड़के ने कहा, उन गुरुवर ने सच ही कहा था, शब्दों से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। वैसे आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी सकारात्मक विचार तथा सकारात्मक शब्दों से अपने जीवन को अवश्य ही बदलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर इसी तरह के मोटिवेशनल तथा पॉजिटिव थॉट्स वाले वाइब्स वीडियो अपलोड होते रहते हैं। जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।